श्रीनाथ जी गुरु जी को अलख आदेश माँ भगवती को अलख आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश आप सभी को आदेश आदेश भैरव प्रत्यक्षीकरण साधना एक ऐसी साधना है जिसको हर एक व्यक्ति गृहस्थ भी कर सकता है पूर्ण रूपे न सात्विक साधनाएं है ना बलि का विधान है ना कोई ऐसी वस्तु चाहिए जो कि आपको ना मिल सके विधान चालीस दिनों का है और रोज इस विधान का दो माला आपको करना है सिर्फ दो माला करिएगा दिशा कोई भी रख सकते हैं आपके पास रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए आसन काला रखेंगे ठीक है सिर्फ इतना ही आपको करना है काला आसन दो माला रोज हर शनिवार को दो लड्डू आपको चाहिए जो दीपक आप जलाएंगे भैरव जी के पास चाहे तो पीली सरसों का दीपक या फिर चमेली तेल का दीपक ये दो दीपक जलता है वो दीपक आपको रोज रखना है ठीक है तो मंत्र भी आपके स्क्रीन पर आएगा इस मंत्र को पूरा मैं नहीं पढ़ूंगा आधा पढ़ के आपको बताता हूं आद भैरव जुगाद भैरव कालका का पुत्र भैरव हाथ में हथ फूल चंपा की कली भैरव बावन की डली ये मंत्र धीरे धीरे आपके स्क्रीन पे स्क्रोल हो रहा है ये मंत्र मैं इसलिए आपको पूर्ण नहीं दे रहा हूं क्योंकि इसको बोल के देना मना होता है पूर्ण मंत्र आप बोल के नहीं दे सकते हैं गोरखनाथ जी का दिया हुआ ये मंत्र भैरव के प्रत्यक्षीकरण का है तो इसका विधान क्या होता है जो मंत्र है अभी आपके स्क्रीन पर चल रहा है इस मंत्र को आपको हर रात बैठ करके जिस दिन से आप संकल्प लेंगे उस रात से हर रात बैठ करके दो माला करना है शनिवार का जो रात होगा शनिवार के रात को दो लड्डू रखना है और उस लड्डू पे जिस दीपक के सामने आप इस साधना को कर रहे हो उस दीपक का तेल लगा के तिलक कर रहा है तिलक करके दूसरे दिन सुबह दोनों जो लड्डू है वो काले स्वान को खिला दें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आपको जब बोला जाता है कि दीपक के सामने आपको जाप करना है इसका अर्थ ये होता है कि आप जब दीपक के सामने जाप कर रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान उस दीपक की लॉ पे होना चाहिए तो दीपक की लॉ पर देखते हुए आप 40 दिन तक इस जाप को करेंगे नॉर्मल दिन पे देखिए इसका जो है चाहे तो आप हर महीने जो भैरव अष्टमी आती है मतलब अमावस्या के पहले वाली अष्टमी उसके दिन संकल्प ले करके चालीस दिनों तक इसकी साधना करें ठीक है और उसके बाद इसका दशांश हवन कर दें दशांश हवन में वही सामग्री प्रयोग होगी जो भैरव बाबा के हवन में प्रयोग होती है चालीस दिन तक जब आप इसकी पूजा करेंगे अंतिम दिन या उससे पहले भैरव आपके साधना के औका अनुसार आपको प्रत्यक्षीकरण देंगे अगर आप साधक के रूप में इतने मजबूत हैं कि आप भैरव को सामने से देख सकते हैं आप भैरव की शक्ति को सामने से बर्दाश्त कर पाएंगे तो भैरव जी आपको बिल्कुल ही प्रत्यक्ष होकर के सामने सामने से दिखेंगे नहीं तो रस रूप गंध स्पर्श बहुत तरह का बहुत तरह का ऐसा आ, साधन है जिससे भैरव जी अपने होने का आपके आसपास संकेत देते हैं आज के लिए इतना ही ये साधना सभी गृहस्थ कर सकते हैं जो साधु हैं वो भी कर सकते हैं अच्छी साधना है गुरु गोरक्षनाथ जी की दी हुई साधना है इसलिए आप लोगों को करना चाहिए चालीस दिन बहुत ज़्यादा होता नहीं है इसमें नियम भी बहुत कम है मैं चाहूँगा आप में से जो जो साधक हैं जो भैरव साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं वो इस मंत्र के साथ अपने भैरव साधना की शुरुआत करें ऐसे तो भैरव का त्रिअक्षरी मंत्र बहुत उपयोगी होता है जो सात्विक साधक है उनके लिए लेकिन फिर भी इस मंत्र से आप शुरू करें चालीस दिन के बाद जो जो करेंगे वो मुझसे संपर्क में रहें आज के लिए इतना ही जिनको साधना का बेसिक सीखना है आसन बंधन या शुरुआती मंत्र वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकता है जिसका नंबर है नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव अपॉइंटमेंट लेने के लिए मेरा वेबसाइट है डब्ल्यू उस पर अपॉइंटमेंट सेक्शन है मुझे व्हाट्सअप करने से भी अपॉइंटमेंट का लिंक आपको मिल जाएगा डायरेक्ट कॉल करने के लिए इंडिया यूएस और कैनेडा के जो लोग हैं वो मी फॉर आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिए उसमें मेरी आईडी है रूद्रनाथ एट सी एम फोर डॉट कॉम दो तीन बार रूद्रनाथ इसमें आ गए इसीलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा कि बुक से ही बात करें Uh, किसी और के चक्कर में ना पड़ जाए आप सभी पर भैरव बाबा अनंत कृपा बस और आप लोग उनकी साधनाओं को सफल करें ऐसे मेरी प्रार्थना है आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश